कैडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ऊपर से की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछ रहा है कि आप किसी स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं, मींस हाउ मेनी व्यूज यू कैन ऐड ऑन अ स्लाइड 2, 4, 6 एंड 10। राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? 10 होगा। लेकिन ये बात पता नहीं थी, आपने आंसर देख लिया तो बता लिया आप लोग, तो लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट है कि आप कितने व्यूज ऐड कर सकते हैं आप एक स्लाइड में। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला है। क्वेश्चन ये है कि विच इज अ सॉफ्टवेयर की इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस यूज टू पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो राइटर में ही पढ़े थे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वाला, वही यहाँ पे भी होगा। याद आ रहा है, राइटर में भी पढ़े थे, क्या था? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ही होगा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही होगा। कंट्रोल लिखवाए थे आप लोग, याद आ रहा है ना? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का दिमाग में रखिएगा, यानी राइट आंसर होगा कंट्रोल अल्ट शिफ्ट भी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? जो ट्रांजिशन लगाते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहाँ लगता है? स्लाइड पे। एनिमेशन कहाँ लगता है? ऑब्जेक्ट पे। तो जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो है क्या? एक लेटर है, एक स्पेशल इफेक्ट है, या ओवरहेड है, कि एक टाइप ऑफ स्लाइड है, एक स्पेशल इफेक्ट है? क्या है? स्पेशल इफेक्ट है। होता क्या उससे? हमारे स्लाइड पे एक इफेक्ट लग जाता है कि डिजॉल्व हो गया, रोटेट होने लगा। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब प्रभाव। क्या है? प्रभाव। राइट आंसर क्या होगा? एक स्पेशल इफेक्ट यूज टू ए स्लाइड। सो लिख लीजिएगा, ट्रांजिशन क्या है? एक स्पेशल इफेक्ट है। हो गया। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन के प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टर की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की हम तो अभी तक देखे थे कंट्रोल शिफ्ट वो होती है, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कंट्रोल पी नहीं होगा क्योंकि प्रिंट करने की शॉर्टकट की होगी। सही बात है, कंट्रोल शिफ्ट पी भी नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्टकट किसका है? सुपर स्क्रिप्ट का। सुपर स्क्रिप्ट का यही होता है ना, पढ़े हैं, पक्का है लॉक किया जाए। तो क्या बचा? राइट आंसर क्या हो गया? कंट्रोल शिफ्ट या 12। देख लीजिए क्या है, तो लिख लीजिएगा आप लोग भी। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की बदल गई, यहाँ प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की हो गई प्रेजेंटेशन में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12।
हो गया। चलिए नेक्स्ट चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ए रहा। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? क्या लग रहा है, सब में किया जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? आल होगा। तो आप भी लिख लीजिएगा किस किस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं आप लोग। राइट आंसर होगा आल, लिख लीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक्सपोर्ट किया जाता है किस किस फॉर्मेट में? हो गया। तो जल्दी जल्दी करिए आप लोग, बहुत ज्यादा मत लीजिए। किस किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? बीएमपी पीडीएफ और जीआईएफ। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो जानते हैं, डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है? अनटाइटल, अनटाइटल वन, प्रेजेंटेशन वन, क्या होगा? अनटाइटल वन, बहुत बढ़िया। देखो प्रेजेंटेशन वन जानबूझ के दिया है क्योंकि इंप्रेस का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको, ठीक है? चलिए चलिए बताइए, न्यूनतम जूम साइज 5% और मैक्सिमम? चलिए सही है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनू देखे नहीं हुए। हो गया। क्या होगा, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस मेन्यू में स्लाइड शॉर्टर विकल्प ऑप्शन है? मतलब स्लाइड शॉर्टर व्यू का ऑप्शन किस में होता है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। चांसेस क्या लग रहे हैं? व्यू लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं? चेक भी कर लेते हैं राइट आंसर क्या है।
क्या होंगे, भी होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेन्यू ओपन करके बहुत देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रियोफिस इंप्रेस में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट उपलब्ध है, नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा है जो ट्रांजिशन में नहीं आता है। थे डिजॉल्व फ्लाई इन ड्राइवरल, किसकी बात किया है, ट्रांजिशन की बात किया है, ट्रांजिशन नहीं है। ट्रांजिशन कहाँ लगता है, और एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे, इनमें से कौन सा नहीं है। फ्लाई इन इज द राइट आंसर, क्योंकि फ्लाई इन क्या है, एनिमेशन है। क्या है, कल ही पढ़ाया था आप लोगों, फ्लाई इन क्या है, एनिमेशन है। राइट आंसर क्या होगा, एनिमे लिख लीजिएगा, फेड डिजॉल्व डायग्रोल, ये सब क्या है, ट्रांजिशन है, ये तीनों ट्रांजिशन है, और फ्लाई इन क्या है, एनिमेशन है, लिख लीजिएगा, जरूरी है, यही मैं बोला था पहले ही, ये नोट करते रहिए, याद करते रहिए, आप समझते नहीं है। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस विकल्प के प्रयोग से सभी स्लाइड एक साथ दिखाई लगती है। नहीं पता, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, अगर स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का यूज करते हैं तो सारी स्लाइड शॉर्ट होके सब सामने एक साथ दिखने लगती है। लिख लीजिएगा कि स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन से स्लाइड एक साथ दिखती है, बस इतना लिखना है, स्लाइड सॉर्टर से आप सारे ऑप्शन क्या होते हैं, स्लाइड एक साथ दिखती है। हो गया, चले अगला क्वेश्चन देखिए, लेबर ऑफिस इंप्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए क्या शॉर्टकट कर दीजिए, बताइए क्या लग रहा है, क्या सी ऑप्शन। अच्छा सी ही क्यों लग रहा है आप लोग को बताइए, क्योंकि कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से क्या होता है बताइए,
कंट्रोल डी से क्या होता है बताइए, उससे क्या होगा? यहाँ नहीं होगा, कंट्रोल डी से क्या होता है? डुप्लीकेट होता है। क्या होता है? डुप्लीकेट होता है, लिख लीजिएगा। नई स्लाइड की शॉर्टकट की कंट्रोल एम जानते ही आप लोग, नई स्लाइड की शॉर्टकट की कंट्रोल एम लिखवाया गया है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन से होते हैं? इमेज, कंटेंट वाली, टाइटल एंड कंटेंट वाली, या टाइटल वाली? कौन सा स्लाइड होता है बाय डिफॉल्ट? टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट, देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। टाइटल एंड कंटेंट लिख लीजिएगा। जो लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंट डिफॉल्ट जो टेम्पलेट होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटल एंड कंटेंट होते हैं, लिख लीजिए। हो गया, यहां से ले लीजिए। हो गया, अरे हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे? बहुत मजेदार है क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। लिब्रे ऑफिस स्लाइड शो में लगातार दोहराने के लिए बताइए, रिपीट या लूप? कोई लूप से जाना चाहेगा? कौन जाना चाहता है? सुन लीजिएगा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। एक चीज होता है ऑप्शन रिपीट, लूप, इन दोनों में अंतर क्या है? लूप का मतलब होता है एक ही चीज बार बार रिपीट करना, एक ही चीज बार बार रिपीट करना। और रिपीट का मतलब क्या होता है? एक चीज चलते चलते रहा, फिर अपना आप बंद हो गया, मतलब लगातार कई चीज अलग अलग रिपीट होती रही और रुक गया। और लूप का मतलब क्या होता है? कई कई लोग कहते हैं कि मैं एक ही गाना लूप में सुनता हूँ, लूप का मतलब कई दिन तक लगातार वही चलता ही रहा, इसे क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ है? लूप सही हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाएगा? स्लाइड पैन, स्लाइड शॉर्टर व्यू, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दी। ये याद रखिएगा, जब भी बोथ एंड ए बी आए या नन ऑफ दी एबव आए, चांसेस ज्यादा रहते हैं कि वही सही होगा। यहाँ क्या लग रहा है, क्या सही होगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, चेक कर लेते हैं। बोथ एंड बी आप लिख भी लीजिएगा, स्लाइड को छोटा, ये इंग्लिश लिखेंगे ज्यादा बेहतर है, स्लाइड को छोटा और व्यवस्थित करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्था करने वाला, व्यवस्थापक। हो गया ना, सबसे ज्यादा तेज आवाज का जो धीरे बोलते हैं, चिल्ला के बोलते हैं, अभी तो ठीक ठाक आवाज आती है। ठीक है, चलिए कोई बात। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन।
ये बताइए क्या होगा अगली स्लाइड में जाने के लिए। वाजी सागर वी मूव द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन, अब देखिएगा स्लाइड कैसी बनी होती है, यहाँ पहली स्लाइड, यहाँ दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड है ना, चौथी स्लाइड। तो आपको अगली स्लाइड का मतलब ये पहली है ये दूसरी है, तो पहले पे है, दूसरी पे जाने के लिए कहाँ जाना है? नीचे जाना है ना, यानी डाउन साइड की बात हो रही है ना। राइट आंसर क्या होगा? चेक कर लेते हैं, सही है तो लिख लीजिएगा अगली स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन। उल्टा हो जाएगा, अपोजिट होता है। जैसे देखो यहाँ स्लाइड क्या है, अगली स्लाइड सब नीचे है, समझ रहे ना, दो तीन चार सब नीचे है, इसलिए डाउन का यूज किया जा रहा है और वापस आने के लिए अप का। कॉमन सेंस का भी कभी यूज किया जाता है, तो अगली स्लाइड जाने के लिए बगल में नहीं दिए हैं, ऊपर नहीं दिए हैं, नीचे सब दे जा रही है, तो इसलिए डाउन जाता रहा है। ठीक है, एंड स्केप नहीं, स्केप दबा दीजिए बंद हो जाएगा। जाते लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है, किस व्यू में सिर्फ टेक्स्ट होता है, अक्षर होता है? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू या स्लाइड सॉर्टर व्यू? क्या लग रहा है? सी, सबका सी है हा? क्या लग रहा है क्या होगा? आउट ऑफ, लिख लीजिएगा, सिर्फ अक्षर होता है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अक्षर, सिर्फ टेक्स्ट कंटेन होता है। किस व्यू में? आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? सुनिएगा, स्लाइड ट्रांजिशन अगर हटाना है मतलब तो स्लाइड में जो ट्रांजिशन लगाया है उसको हटाना है, किस ऑप्शन का यूज करेंगे? नॉन स्लाइड, स्पीड ट्रांजिशन, वाइप ट्रांजिशन या पुश ट्रांजिशन? पुश, वाइप, स्प्लिट, ये सब ट्रांजिशन का नाम लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हटाना तो क्या कर सकते हैं, नन का मतलब कुछ नहीं। राइट आंसर क्या हो सकता है? बस देख लीजिए, सारे क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यही आएगा एग्जाम में, मैं एक वे समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे फेस करते हैं और बेसिक चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि आपके ट्रिपल सी में अगर ऐसी चीजें आती हैं तो आप उसको सही से फेस कर पाए और पास होंगे। सबसे पहले आईडी कार्ड सब लोग लगा लीजिए, अदरवाइज सिर्फ आप नहीं मैं भी डांट सुनूंगा, कल दो बच्चों को निकाल दिया गया उसके लिए, सो प्लीज पहन लीजिए आप लोग। कैंपस में बिना आईडी कार्ड के बिल्कुल मत निकलिएगा, कैंपस से बाहर निकलते तो उसको निकालिए, लेकिन जब तक कैंपस में रहना है तब तक पहने रखना है। गेट से बाहर निकलिए तब निकालिए, या घर तक पहने चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक स्लाइड में हैंडआउट की अधिकतम कितनी संख्या होती है? करेक्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट स्लाइड
3, 4, 6, 9 नहीं पता होगा, राइट आंसर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 9 होगा। कितने व्यूज होते हैं? 10 होते हैं। और कितने हैंड आउट स्लाइड होंगे? 9 होंगे, दिमाग में रखना है। बड़ा अच्छा, लो ठीक है, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? क्या लिखा है? लिब्रे ऑफिस में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सुनिए, स्लाइड शो कहा है, किसी पार्टिकुलर साइड स्लाइड की बात नहीं किया है। अगर किसी पार्टिकुलर साइड की बात करता है तो सिर्फ F5, लेकिन अगर सारा शो कराना है तो क्या लग रहा है? ये दोनों तो होगा नहीं, अब बाकी दोनों के लिए उंगली काट लीजिए, जो देख लीजिए, जिससे खून आ जाए तो सही हो जाएगा, ट्राई कर लीजिए। राइट आंसर क्या होगा? अगर जब भी कहेगा स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की तो F5, और करंट कहेगा तो बस लिख लीजिएगा स्लाइड शो की शॉर्टकट को जी ऐसे बस। हाँ सर, क्या हुआ? तुम तो ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कल मैं एक लड़की को पढ़ा रहा था और उसमें लिखा हुआ था ये वाला, जानते आप नाम जानते होंगे, इसका नाम क्या है? नाम सुने हैं? एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम क्या है? अंडमान नाम है, तो पढ़ा अंडमान। तो भाई यार तुम कह रहे हो हैंड आउट का मतलब हैंड से कोई मतलब नहीं है वहां पे, उसमें कितनी स्लाइडें हो सकती है ये पूछा है वहां पे, 9 होंगी, और कितने व्यूज होंगे? 10 होंगे, बस ये दिमाग में सेट कर लीजिए। कभी कभी शब्दों में फंस जाता है आपको, ठीक है, ध्यान तो बटले बस पढ़ नहीं रहे हो, बाकी सब ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है, बहुत समझाए थे आप लोगों को, क्या होगा जल्दी बोलो, क्वेश्चन पढ़ लो, कैसा होगा? लैंडस्केप हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ओरिएंटेशन का नाम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है। और मैंने बताया था कि कल का राइटर का पोर्ट्रेट होता है, लेकिन पावर पॉइंट का आई मीन इंप्रेस का लैंडस्केप। राइट आंसर क्या होगा? कुछ लोग ये बोल रहे थे, बेवकूफ लोग। चलिए लैंडस्केप होगा, कैसा होगा? लैंडस्केप। ओरिएंटेशन कैसा होता है? दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। हाँ, कोई पूछेगा पोर्ट्रेट कैसा होता है तो बता सकते हैं आप कि जो वर्टिकल के फॉर्म में होगा उसे हम पोर्ट्रेट बोलेंगे। जैसे सब लोग समझिएगा, अगर हमारी मॉनिटर की स्क्रीन ऐसी दिख रही है, सामने देखिए, ऐसी ऐसी मतलब वर्टिकल फॉर्म में, कैसी फॉर्म में? वर्टिकल फॉर्म में। तो जब भी वर्टिकल फॉर्म में दिखती है तो इसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट। और जब हमारी स्क्रीन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखती है, हॉरिजॉन्टल, तो उसे हम बोलते हैं क्या? लैंडस्केप। ठीक है, हो जाएगा ना? ठीक है। और कोई पूछता है रो कैसा होता है, तो हॉरिजॉन्टल होता है। कॉलम कैसा होता है? वर्टिकल होता है। कैसा होता है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? लैंडस्केप हो जाएगा। कह रहा है कौन सी स्लाइड अन्य स्लाइड की शुरुआती बिंदु के रूप में प्रयोग की जाती है? स्लाइड यूज टू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, मास्टर स्लाइड, नन ऑफ दिस। क्या लग रहा है, मास्टर या फर्स्ट?
लास्ट होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, दो बचा मास्टर और फर्स्ट, क्या लग रहा है मास्टर या फर्स्ट? क्या हो सकता है लिख लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन लिब्रियास में पिछली स्लाइड वही सेम चीज आ गया, क्या होगा पेजअप होगा? हाँ पेजअप होगा कि होम होगा? पेजअप होगा कि होम होगा? सदना की बात नहीं, पहले ही बता ही दिया था आपको। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड की चलाने के दौरान हम सीधे मेन्यू में कैसे जा सकते हैं? अगर हमें मेन्यू में जाना है, जो भी मेन्यू है, तो बाय क्लिकिंग ऑन द रिबन, बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, या बाय माउस, या ऑल ऑफ द अबव। क्या लग रहा है? स्लाइड चल रही है तो कुछ भी दबाएंगे तो पहुंच सकते हैं ना मेन्यू पे। क्या लग रहा है? ऑल ऑफ द अबव पक्का है? लॉक कर दे। क्योंकि मेनू जब बड़ा कर देंगे तो मेनू दिखता ही कहाँ है, तब क्या करेंगे? राइट क्लिक करके स्लाइड को इंड करेंगे। राइट क्लिक करके क्या करेंगे? स्लाइड को इंड करेंगे। नहीं लिखता ऑप्शन इंड, सो ऑप्शन आता है। जैसे मान लो यही कोई हम विंडो के साथ आर पावर पॉइंट ओपन कर लिए और कोई स्लाइड ले ले रहे हैं, वही दुकान मान लो स्लाइड ले लिया हमने और स्लाइड को शो करा दिया। अब हम क्या दबाए कि हम मेनू बार में पहुंच जाए, मेनू बार जो आ रहा है, तो हम क्या करें? राइट क्लिक करें और क्या कर दें? इंड शो, पहुंच गया मेनू। क्या क्या दिया था यहाँ पे? दिया था बाय माउस क्लिक्स, नहीं बाय क्लिकिंग ऑन रिबन। रिबन दिख ही नहीं रहा, रिबन पे क्लिक कहां से करेंगे? क्या करेंगे? बाय राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, यानी स्लाइड पे राइट क्लिक करेंगे और वहां तक पहुंच जाएंगे। हो जाएगा? हो जाएगा? ठीक है, लिखना चाहते हैं कि आगे चले? लिख लीजिए, लिख लीजिए। सिक ऑफ यू क्या मतलब? आई एम सिक ऑफ यू। हाँ मैं तुमसे तंग आ गया, आई एम सिक ऑफ यू। ओके स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, इसका मतलब आर्ग्यू का मतलब बहस कर। स्टॉप आर्ग्यूइंग विद मी, मेरे साथ बहस करना बंद कर। डोंट ट्राई टू एक्ट टू स्मार्ट, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? मैं ये सब पढ़ते रहता हूँ लगातार। हो जाएगा? I know this enough to wise. Wise का मतलब क्या होता है? Wise, W-I-S-E, समझदार, बुद्धिमान। आप लोग हैं? क्या ज्ञान होता है? उसका मतलब ज्ञान होता है, विजडम। वाइज का ही फॉर्म है, लेकिन देखो यहाँ बुद्धिमान की बात हो रही है, वहां ज्ञान की बात हो रही है, समझ रहे हो? शब्दों में अंतर है। चलिए
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, करा स्लाइड में टेक्स्ट कैसे बनाया, टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगाए, तो स्लाइड में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट टेबल टेक्स्ट बॉक्स, एंड नन ऑफ दीज। कोई बी से भी जाना चाहता है? कितने लोग? सिर्फ एक ही लोग बी से। चलिए देख लेते हैं, बस तुम ही मुझे सपोर्ट की हो, बाकी लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया। चलिए राइट आंसर क्या होगा, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। 25 क्वेश्चन हो गए, रहने दे, ठीक है, आज 25 क्वेश्चन कर लिए। वो आप लोग भी किया करिए भाई, टेस्ट दे रहे हैं आप लोग,